अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फ टेस्टी। आज हम चिकन की कड़ी बनाएंगे। पकौड़ों की कड़ी से तो हर कोई वाकिफ होता है, इस बार आप लोग चिकन की कड़ी ट्राई करके देखिए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन विद बोन, 3 टीस्पून फुल चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी एंड 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून लेवल ही मस्टर्ड सीड दैट इज राई लिया है। इस ग्लास से हम लोग 4 से 5 ग्लास कड़ी में डालेंगे पानी, 1 कप अनियन, 2 टेबलस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 kg दही एंड 5 टेबलस्पून ही भी बेसन लिया है। चिकन को मैंने आधा घंटा पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करके रखा था। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में मैंने ऑयल 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें मेथी दाना और राई डाला है और इसे हम थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे जब तक मेथी का कलर ब्राउन नहीं हो जाता। हमने चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर रखी है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना राई और मेथी डालते ही वो जल जाएगी। तो हम इसे सॉटे करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। इसके बाद हम इसमें 1 कप चॉप्ड अनियन डालेंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें इसे जब तक सॉटे करना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। लाइट ब्राउन आप देख सकते हैं कि हमारी अनियन लाइट ब्राउन हो गई है। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आना शुरू हो जाती। जैसे हमारे जिंजर गार्लिक से अच्छी स्मेल आना शुरू होगी हम उसमें मैरिनेटेड चिकन हम डाल देंगे। चिकन में हमने जस्ट 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाकर एक आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब चिकन डाल के हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज नहीं हो रहा था। जब तक हम ब्लेंडर में 1/2 kg योगर्ट दैट इज 1/2 kg दही डालेंगे और उसमें 5 टेबलस्पून भर के बेसन जो रखा हुआ है वो डालेंगे, डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से हमें लम्स नहीं बनते हैं, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा वो। और फिल वक्त के लिए हमने थोड़ा पानी ऐड किया है इसमें। चिकन का कलर चेंज होते ही हम उसमें चिली पाउडर, हल्दी एंड सॉल्ट डाल देंगे। चिल्ली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून फुल चिली पाउडर डाला है, आप साथ में 3 to 4 ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, डालिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड अब मैंने ब्लेंड करके ला लिया, जो ब्लेंडेड दही और बेसन है वो पेस्ट डाल दिया है मैंने, अच्छे से स्टिर करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें 4 ग्लास, आपने देखा था जो ग्लास रखा था उस ग्लास से मैंने 4 से 5 ग्लास तक मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अच्छे से स्टिर करेंगे। हमें आप अच्छे से इसको स्टिर करते ही रहना है जब तक ये एक उबाला नहीं आ जाता। जब वो एक बॉईल होना शुरू हो जाएगा एक बार, जब हम चमचा रोक कर कवर कर छोड़ देंगे। इस स्टेज पर आप 3 से 4 ग्रीन चिली स्लिट करके भी डाल सकते हैं, आप डालिए बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ मिर्च ज़्यादा नहीं यूज करते इसलिए मैंने नहीं डाला है। हम इसे कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी में बॉईल आया है। स्टेज पर हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये चिकन है इसलिए जल्दी चल जाएगी। तो 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, खोल कर चेक करेंगे कि हमारी चिकन गली या नहीं गली है। 20 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक रही है। आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर होगा पर मटन का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए अभी भगाना स्टार्ट करते हैं। हमारी चिकन डन हो गई थी, अब हम भगाने के लिए लेंगे ज़ीरा है 1 टीस्पून, गार्लिक 5 से 6 क्लव्स को मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ी सी अनियन है, करी लीव्स है एंड
3 to 4 ड्राई रेड चिलीज़ ले लेंगे। एक पैन में 1/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें हम गार्लिक डालेंगे, अनियन डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और इसे सॉटे करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। जब वो ब्राउन होने शुरू होगा, जब हम इसमें रेड चिलीज डालेंगे एंड करी लीव्स डालेंगे। दो चिलीज को मैंने तोड़ लिया है एंड दो को उसी तरीके साबित रखूंगी। आप ये जरूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो चिकन नहीं खाते हैं वो मटन से सेम प्रोसीजर करें और मटन से ट्राई करें, पर कुकिंग टाइम में भी 40 to 45 minutes लगेगा आपको मटन गलने में। करी लीव्स डाल के हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जैसे करी लीव्स की अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, हम बघार डाल देंगे। बघार को फिर एक 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे रोटी या चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।